अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो जूलियट, जिसमें फिया और फरहाद ने निकाह कर लिया और दोनों ने ही ये फैसला किया कि निकाह के बाद अपने अपने घर वालों से जाकर मिला जाए। क्या पता फरहाद के घर वाले उसको घर रखने के लिए मान जाएं। जैसे ही बहू को देखेंगे तो अपना इरादा बदल लेंगे, ये सोचकर फरहाद अपनी बीवी को लेकर पहुँच गया। माँ का दिल तो औलाद के लिए बहुत नरम होता है, इसीलिए फौरन ही अपने बेटे और बहू की बलाएं लेनी शुरू कर दी। लेकिन इस घर में भी इनको रहने की जगह नहीं मिली और माँ ने भी रो रो के बुरा हाल कर दिया कि मेरा इकलौता बेटा क्या अब मेरे पास नहीं रहेगा। दूसरी जानिब फिया निकाह के बाद फरहाद को लेगी अपने घर वालों से मिलवाने के लिए। जैसे ही घर में एंट्री की तो घर में एक तूफान बरपा हो गया और सब घर वाले फिया पर चीखना चिल्लाना शुरू हो गए कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब तुमने निकाह कर लिया तो अब क्या करने आई हो हमारे पास। भाई भी जोश में आ गया तो फिया को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फरहाद ने रास्ते में ही रोक लिया और अभी मारने ही लगा था उसको कि फिया ने रोक दिया कि ये मेरा भाई है, छोड़ दे प्लीज़। खैर, इतनी जल्दी तो कोई भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा और बाप ने भी अपनी बेटी को आग कर दिया। तुम मेरी इज्जत थी और तुमने ही मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। खैर, इसके बाद दोनों अपने उसी होटल में पहुंच जाते हैं। फरहाद बाहर जाता है तो फिया अकेली ही है होटल में। उसकी किस्मत तो देखो कि यहाँ पर होटल में रेड पड़ती है और वो समझते हैं कि शायद फिया भी यहाँ बुरे कामों के लिए आई है, इसीलिए तो फिया को पुलिस लेकर चली जाती है। तो क्या जब बाप को पता चलेगा कि बेटी पुलिस में है, पुलिस स्टेशन में है, तो क्या बाप पीछे आएगा या फरहाद ही छुड़वाएगा फिया को? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।